फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप लॉन्ग राइड करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद आता है, कहीं पे टूर करना पसंद आता है, तो आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास वैसी बाइक होना ज़रूरी है। तो अभी मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे, जो मेरे पास सामने जो बाइक है वो है जावा की तरफ से आने वाली जावा 42 बोबर। क्या खास बात है इस बाइक में, क्यों ये इंपॉर्टेंट बाइक है, क्या नया आपको मिलने वाला है 2024 में, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बाइक है, ये जावा की तरफ से आने वाली जावा 42 बॉबर बाइक है, एंड ये प्रॉपर क्रूजर बाइक है। क्रूजर बाइक बेसिकली होता है ये है ना कि आपको कंफर्ट का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, ताकि आप लंबे समय तक कहीं पे भी लॉन्ग राइड कर सके। तो बेसिकली ये वाले सेगमेंट में जितनी भी आप देखेंगे ना, जो इसकी सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी लो रहती है, ताकि कोई भी हाइट के बंदे आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँ, तो ये जो इसकी कलर है, ये कलर आपको कैसबर रेड आने वाली है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है क्रोम ब्लैक। तो सबसे जो ज़्यादा यूनिक मुझे ये वाला कलर लग रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एलईडी में हेडलाइट यूनिट मिलने वाली है, जो कि अगेन फुल्ली एलईडी है, एंड साथ साथ बहुत ही प्यारा सा लुक में यहाँ पे अगेन आपको एलईडी टर्न लाइट मिलती है, ठीक है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है, इस लुक को बहुत ज़्यादा कैरी कर रहा है। यहाँ सामने में देखेंगे तो यहाँ पे आपको 42 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, एंड उसी के नीचे यहाँ पे लाइसेंस प्लेट के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है। एंड सबसे जो यूनिक बात है ना यहाँ पे इस गाड़ी में, तो यहाँ पे जो सबसे खास बात है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विन एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको दो एग्जॉस्ट है, एक एग्जॉस्ट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड आप एक बार इसका एग्जॉस्ट का जो है ना लुक देखो, काफी प्रीमियम सा लुक आ रहा है उभर करके, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारे बाइक में देखी इस टाइप की बाइक में जो है साइलेंसर होती है वो एग्जॉस्ट होती है, वो कंपनी फिटेड इस टाइप की नहीं मिलती। इस साइड में आप देखेंगे अगेन यही सेम आपको इस साइड में भी देखने को मिल जाएगी। तो जो ट्विन एग्जॉस्ट वाली जो जितनी भी बाइक्स होती है ना, उसका जो एग्जॉस्ट का जो साउंड होता है वो काफ़ी हटके होता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जॉस्ट है, एंड अगेन चलिए जो अच्छी बात क्या है ना, इस गाड़ी में आपको लिक्विड कूल इंजन मिलती है, जो कि एक लॉन्ग राइड के लिए बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उस बाइक को कहीं पर भी कितना भी दूर ले जाएंगे तो आपको हीटिंग का कोई भी इशू नहीं होने वाली है। सामने में यहाँ पर देखेंगे कि ओरिजिनल जावा 1929 की आपको एक स्टिकर देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको राउंड शेप का बहुत ही प्यारा सा डिजिटल MID स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर वगैरह, एवरेज फ्यूल वगैरह, यहाँ पे क्या है, कौन से गियर है, इनफैक्ट गियर वगैरह, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो होगी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा है। एंड इस साइड में आपको थोड़े बहुत कुछ मोड्स है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह के आपको बटन देखने को मिल जाती है, इस साइड में आपको लाइटिंग की बटन आपको देखने को मिल जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग लाइट चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का बटन आपको देखने को मिल जाती है। सामने यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी प्यारा 42 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन ये व्हाइट कलर में बहुत ही अच्छा है। एंड इस साइड में आप देखेंगे रियर साइड में, तो ये प्रॉपर यहाँ पे गार्ड जो है वो यहाँ पे सीट नहीं है, तो ये काफ़ी यूनिक लुक लग के आ रहा है। एंड रियर में आपको बहुत ही प्यारा सा एलईडी में रियर एलईडी लाइट देखने को मिल जाएगी, रियर टेल लाइट जिसको कह ले, एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगेन बहुत ही प्यारा छोटे छोटे दो टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है लाइसेंस प्लेट के लिए जगह दिया गया है, एंड यहाँ पे अगेन एक रिफ्लेक्टर दिया गया है, काफ़ी अच्छा। टायर साइज भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे टायर आपको देखने को मिल जाती है। इस वाली टायर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 17 इंच की अगेन डुअल टोन पैटर्न के साथ डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, एंड जो इसकी एग्जॉस्ट है ना, वो दोनों का जो लुक है, अगेन आप रियर से देखेंगे इस गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा बल्की लगेगा देखने में, बहुत ज़्यादा हैवी लगेगा बेसिकली देखने में। एंड यहाँ पे आपको ब्रेकिंग का भी बहुत ख्याल रखा गया है, आप देख सकते हैं ब्रेकिंग का बहुत हेवी मेटल का यूज़ किया गया है ब्रेक वगैरह में। तो इस वाली गाड़ी में भी आपको दोनों ही साइड में आपको ABS ब्रेक देखने को मिल जाती है। इस बाइक में आपको मिलती है यहाँ पे डुअल टोन कलर की डायमंड कट एलॉय व्हील, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लासिक लीजेंड्स करके हैं, एंड अगेन यहाँ पे 42 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, एंड बहुत ही प्यारा सा टायर है। एंड मैं टायर साइज की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको 18 इंच की एलॉय व्हील देखने को मिल जाती है, अगेन बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही मैसिव टायर साइज है, एक क्रूजर बाइक के लिए होना जरूरी है। यहाँ पे आपको कुछ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिस्टम यहाँ पे अगेन आपको मिलती है। साथ ही साथ इस साइड में आपको डिस्क ब्रेक विथ ABS आपको देखने को मिल जाती है, अगेन आपको जो ब्रेकिंग है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। एंड जो सबसे खास बात है ना यहाँ पे, ये देखो
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल सीट मिलती है, आपको दो सीट का ऑप्शन इसमें नहीं मिलती है। बेसिकली आप एक क्रूजर बाइक है, सिंगल आपको जाना पड़ेगा। मे बी आप इसमें एक एक्स्ट्रा सीट ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि आप लगा सकते हैं, बट इसमें श्योर नहीं है। जो कंपनी फिटेड है वो सिंगल सीट लग के आती है, एंड जो सीटिंग पोजिशन है वो आपको कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगी, काफ़ी डाउन सीटिंग पोजिशन है इसकी, ताकि कोई भी हाइट की बंदा है वो इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, आराम से इसको चला सकते हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा जो सिटिंग पोजीशन है हल्का सा बेंड आपको देखने को मिलेगी, प्रॉपर सीधा स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा एंगल है, ताकि थोड़ा सा इसका चलाने का जो मजा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के आपको रियर व्यू मिरर मिलेगी, काफ़ी स्टाइलिश लुक है, जो कि अगेन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली ये वाला जो मिरर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं लगेगा बाहर से, एंड काफ़ी प्यारा लुक के साथ में आता है। तो इंजन स्पेसिफिकेशन की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको 334 सीसी का लिक्विड कूल 6 स्पीड इंजन आपको देखने को मिल जाती है, एंड जो इसकी पावर है वो 29.51 bhp का पावर जनरेट करती है, एंड जो इसकी टॉर्क है वो 32.74 न्यूटन मीटर का टॉर्क करती है। तो इस गाड़ी में बेसिकली आपको टॉर्क एंड पावर बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ कि इसकी इंजन का आवाज़ कैसा आपको देखने को मिलता है। तो चलिए मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो अभी एग्जॉस्ट है वो नॉर्मल आइडियल कंडीशन में है, एंड जैसे मैं इसका थ्रोटल को लेता हूं, तो गाइस आपने देखा काफी यूनिक साउंड है, क्योंकि ये डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती है, तो जो इसका साउंड है एज कम्पेयर टू दूसरे बाइक में वो आपको थोड़ा सा हटके देखने को मिल जाती है, काफी यूनिक एंड काफी प्यारा सा साउंड आपको देखने को मिलेगी। बट अभी आपको ये चीज नहीं पता चलेगा जब, लेकिन ये बाइक को लेकर कहीं पे भी क्रूज करेंगे आप कहीं लॉन्ग राइड में, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, काफी अच्छे होने वाला है। तो गाइस इस बाइक की प्राइसिंग की मैं बात कर लूँ तो ये पार्टिकुलर मॉडल 2,22,001 शोरूम में आती है, एंड इसमें जो ऑफर एंड स्कीम की मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको बहुत ही प्यारा सा अभी डिस्काउंट चल रही है। अगर आप कोई भी पुरानी बाइक को यहाँ पे लाके एक्सचेंज करेंगे देन आपको 10,000 का जो है अप टू 10,000 तक का आपका एक्सचेंज बोनस मिल जाएगी। जो भी आपकी गाड़ी में जो भी प्राइसिंग होगी सेकेंड हैंड बाइक में उसका लेस कर करके आपको प्राइस दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा अभी ये स्कीम है, कोई भी एज कम्पेयर टू दूसरे कंपनी के भी आप ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जावा की होनी चाहिए, चाहे आप हीरो के लाएं, टीवीएस के लाएं, बजाज के लाएं, कुछ भी लाएं, तो ये अभी करंट का जो है ऑफर्स है। और फर्दर डिटेल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, टोटल एड्रेस दे दूंगा इस शोरूम के, एंड साथ साथ वहाँ पे आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप चाहें तो आप घर बैठे भी इस प्रॉपर बाइक का आप एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड आप चाहे तो वहाँ से गाड़ी को बुकिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप वहाँ से गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के लिए भी अगर चाहिए तो आप वहाँ से भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो फर्दर अगर इससे रिलेटेड कोई और भी कंफ्यूजन है आप मुझे सिंपल कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पे जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूँ। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।